जानेंगे कि कैसे GoDaddy से अपने वेबसाइट के लिए डोमेन नेम खरीदा जाता है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि कैसे डोमेन नेम GoDaddy से बाय कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ओपेरा में जाना है। ओपेरा में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करें GoDaddy। GoDaddy आने के बाद देखिए शुरू में ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करें। अब अपने वेबसाइट का जो जिस नाम से अपना वेबसाइट बनाया उसके नाम से डोमेन नेम देखते हैं, फाइंड कीजिए। यूनिक होना चाहिए कुछ जो भी आप बनाए हैं अपने, जैसे किसी के पास ना हो। तो जैसे मान के चलिए मैं माइंड, यहाँ पर माइंड फ्रेश आर्ट, देखते हैं इसको मिलता है कि नहीं मेरे को। इसमें देखिए इस ना माइंड फ्रेश आर्ट डॉट कॉम इज़ अवेलेबल, इस नाम से अवेलेबल है। वही देखिए आप इस तरीके से आपको सजेस्ट किया है कि आप आर्ट माइंड फ्रेश डॉट कॉम या माइंड फ्रेश कार्ट डॉट कॉम इस तरीके से आप अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। और अगर मिल चुका है तो अपना इसी पे फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ये 499 रुपये में पर एक साल का आपको देगा, फिर उसके बाद आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब एक बार फिर से कार्ट में चले जाइए, यहाँ देखिए 2 ईयर का ऑप्शन आ गया। तो उसको आप शुरुआती है तो सबसे पहले आप 1 ईयर का ले लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिन्यूज़ मार्च 2023 में होगा, 91 रुपये लेगा पर मंथ के लिए, टोटल लगभग 1100 तक। अब इसको करने के बाद देखिए कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग कार्ट है, इस पर क्लिक करें। अब ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ ऑप्शन आता है, फुल डोमेन प्रोटेक्शन का, अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन, ये सब के लिए आपको अलग से चार्ज 299 और 979, ये सब का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वेबसाइट ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिए। और स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, इस पर क्लिक रहने दीजिए। और अपना ईमेल अकाउंट अगर प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको ये देखिए इस नाम से u@mindfresh.com ऐसे करके आपको प्रोफेशनल अकाउंट देगा। तो इसको आपके लिए 29 रुपये पर मंथ का चार्जेस लगेगा। तो इसको अभी तब तक के नो थैंक्स कर देते हैं, फिर यहाँ पर कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए अब ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है आई एम रेडी टू पे, इस पर अब पेमेंट करने से पहले आपको अपना अकाउंट या तो बना के साइन इन कर सकते हैं, या तो अपना फेसबुक अकाउंट से या गूगल या ईमेल से अपना इसमें साइन इन सबसे पहले होना पड़ेगा। तो चलिए मैं फेसबुक से साइन इन होता हूँ। देखिए फेसबुक का आगे इसमें ईमेल और पासवर्ड डाल दीजिए, फिर लॉगिन होना है इसमें। लॉगिन हो जाने के बाद आप फिर यहाँ पर सब नीचे आइए, फिर सब देखिए सब टोटल करके दे दिया है। फिर आपको ये वाला पेज ओपन होगा, इसमें अपना इंडिया या मोबाइल नंबर आपको डालना है, एड्रेस ये सब आपको पूरा फिलअप कर देना है। और फिर नोटिफाई मी ऑन व्हाट्सएप नंबर पे
रिन्यूअल के लिए आपको नोटिस अपने व्हाट्सएप में आपको नोटिस करते रहेगा। तो चलिए इसको भी फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। अब मैं इसमें अपना एड्रेस डाल चुका हूँ, अब इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर सिटी, अब आपका पेमेंट मेथड पूछ रहा है कि किस मेथड में अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डाल के या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या तो यूपीआई से आईडी डाल के अपना यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका डोमेन नेम खरीदा जाएगा। फिर पेमेंट होने के बाद आप अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। अब अभी तो मेरे को ख़रीदना नहीं, इसलिए मैं इस पेमेंट ऑप्शन में क्लिक नहीं करता हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।